नमस्कार। आज के चर्चा के दौरान हम वार्ता में बात करेंगे मोनोकोटिलेडन्स पर, अर्थात एक बीजपत्री पर। पेंथम हुकर, एंग्लर प्रिंटल, हचिनसन, तख्ताजन, कॉर्नक्विस्ट इत्यादि का हम वर्गीकरण की बात करें तो समय पादप जगत में दो बहुत महत्वपूर्ण बीजपत्रों के समूह के अनुसार होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री संख्या के अनुसार। जिनमें दो बीजपत्री संख्या है द्विबीजपत्री और संख्या एक हो तो एक बीजपत्री अर्थात मोनोकोटिलेडन्स होंगे। हम बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के अनुसार यहां पर बात करने चाह रहे हैं, चर्चा करने चाह रहे हैं। बेंथम एंड हुकर ने डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी जो दो उपप्रभाग या समूह बनाए, उसमें डाइकोटिलेडनी जो द्विबीज पत्रियों का है उसमें बीज पत्र की संख्या दो होगी, नंबर ऑफ कोटिलेडन्स टू। संबंध बंडल जो होंगे वेस्कुलर बंडल खुले हुए होंगे, एक रिंग में व्यवस्थित होंगे और द्वितीयक वृद्धि अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ सामान्यतः उनमें पाई जाती है और पत्तियों में जालिका व शिरा विन्यास होगा और पुष्प सामान्यतः चतुष्की या पंचतई टेट्रामेरस और पेंटामेरस होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स धारण किए होंगे डाइकोटिलेडन्स। और द्विबीज पत्रियों को तीन क्लास में बांटा है, पॉलीपोएटली, गैमोपोएटली और मोनोपोएटली। हम बात कर रहे हैं मोनोकोटिलेडन्स की, जिसका सामान्यतः जो लक्षण होता है वो होता है बीज पत्र की संख्या एक और पर्ण शिरा विन्यास समानांतर वहां पर। तो आज हम मोनोकोटिलेडन्स के सामान्य लक्षण और उसका वर्गीकरण देखेंगे बेंथम एंड हुकर के अनुसार। जो मोनोकोटिलेडन है उनका एक सामान्य लक्षण यह हुआ कि इसमें बीज पत्र की संख्या एक होगी, इनका जो शिरा विन्यास है पर्ण शिरा विन्यास वो समानांतर शिरा विन्यास होगा। इनकी जो करैक्टरिस्टिक होगी, दिस करैक्टरिस्टिक्स आर हर्ब्स मोर रेयरली श्रबली एज इन स्माइलेक्स और आर्बोरेसिस एज इन पाम, ड्रेसिना एंड बेम्बोस। स्टेम विदाउट पिथ, वेस्कुलर बंडल्स स्केटर्ड बट नो केम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ जनरली एबसेंट। लीव्स लार्ज पैरेलल वेंट, पेरियंथ जनरली ट्राइमेरस फ्री और यूनाइटेड, एम्ब्रियो विद वन कोटिलेडन्स, हाइपोजियल, रेडिकल फॉर्मिंग टेप रूट विच इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाई एडवेंटेटिव। हम ये जो एक मोनोपोड के सामान्य लक्षण यहां पर देखें कि ये पादप स्वभाव में शाकी होंगे, बहुत कम शुभ होंगे और वृक्ष बहुत कभी कभी होंगे। शुभ जैसे हम स्माइल एक्समेर में देख रहे हैं, जो वृक्षी प्रवृत्ति पाई जाएगी जैसे पाम के अंदर, बेम्बूस के अंदर, बांस की प्रजातियों के अंदर, जो एक पूरी फैमिली है ग्रेमिनी मोनोकोट में, उसमें जो बांस आएंगे जिसके दो वंश सामान्यतः हैं डेंड्रोकेलेमस और बेम्बोसा, वो एक वृक्ष के रूप में होंगे। तो हर्ब्स इनमें ज्यादा होंगे। स्टेम बिना पित के होगा, संबंध पुल जो बिखरे होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ सामान्यतः नहीं होगी, पत्तियां बड़ी है, समानांतर शिरा विन्यास है और जो परिदल में परिदल है जो विभिन्नित नहीं है जनरली कैलेक्स कोरोला में, वो पेरियंथ जो है वो ट्राइमेरस स्थित होगा, तीन और तीन के ग्रुप में होगा, फ्री या यूनाइटेड हो सकते हैं ये। और इनमें जो हमने बात की है बीज पत्र की संख्या एक होगी, टेप रूट होगी जो बाद में एडवेंटेजियस रूट्स में के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। ये एक मोनोकोटिलेडन्स के सामान्य लक्षण यहां पर देख रहे हैं, जो एक बीज पत्रियों का एक छोटा समूह है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पादप इस एक बीज पत्रियों। बेंथम एंड हुकर के अनुसार हम एक बीज पत्रियों का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। बेंथम एंड हुकर डिवाइडेड मोनोकोटिलेडन्स इनटू सेवन सीरीज एंड 34 फैमिलीज। बेंथम एंड हुकर ने अपने वर्गीकरण में एक बीज पत्रियों को सात श्रेणी में विभक्त किया है, डिवाइड इन सेवन सीरीज, और 34 फैमिलिया 34 फैमिलीज है जिनमें इनको बांटा है इन सात सीरीज को, जिसको मैं देखने जा रहे हैं। नंबर वन सीरीज माइक्रोस्पर्मी है और जो सातवीं सीरीज है वो है ग्लूमेसी। पहली सीरीज को मैं इस स्लाइड में देख रहे हैं माइक्रोस्पर्मी। इसमें जो माइक्रोस्पर्मी का जो करेक्ट होगा, इसमें एटलीस्ट थ्री इनर सीरीज ऑफ द पेरियंथ पेटेलोइड, ओवरी इंफीरियर यूनिलोकुलर विथ थ्री पैरेलल पेराइटल प्लेसेंटा और रेयरली थ्री लोकुलर विद एक्साइल प्लेसेंटेशन, सीड्स माइन्यूट न्यूमेरस विथ कोटल एंडोस्पर्म्स। जो एक सामान्य लक्षण होगा माइक्रोस्पर्मी का, वो एक आंतरिक परिदल पुंज चक्र जो है वो दलाब होगा पेटेलोइड, अंडाशय अधोवर्ती इंफीरियर, बीजांड न्यास जो है वो भित्ति है, बहुत कम स्तंभी होगा ये। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बेंथम हुकर ने माइक्रोस्पर्मी के अंदर तीन फैमिलियां विभक्त की है, तीन फैमिलियों को इनमें रखा है। पहली फैमिली है हाइड्रोकेरिडी, दूसरी फैमिली है बर्मेनियसी और तीसरी फैमिली है ओर्किडी। इसमें जो हाइड्रोकेरिडी है ये इसमें एक्वाटिक प्लांट शामिल है,
और ऑर्किडी जो है इसमें ऑर्किड सोरिया शामिल होंगे जो कि अधिपादप के रूप में है। तो माइक्रोस्पोरमी एक छोटी सी श्रेणी है जिसके अंदर की हम देख रहे हैं तीन फेमिलियां यहां पर विभक्त की है बेंथमुकर ने अपने वर्ग। अब हम देखने जा रहे हैं बेंथमुकर के वर्गीकरण के अनुसार सेकेंड सीरीज बेंथम एंड हुकर्स अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोकोटिस। बेंथमुकर के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है मोनोकोट का उसमें सीरीज जो सेकेंड है उसका नाम दिया गया एपोगा एपिगाई में। इनके करेक्टरिस्टिक्स है एटलीस्ट थ्री एटलीस्ट द इनर वूरल ऑफ द पेरियंथ पेटेलोइड ओवरी मोस्ट ऑफन इंफीरियर एंडोस्पर्म कोपियस। एपिगाइनी में परिदल पुंज आंशिक दलाव होगा और अंडाशय प्राय अधोवर्ती होगा। ये एक बड़ी श्रेणी है जिनके अंदर की सात हम देख रहे हैं फैमिली शामिल की गई है। सात फैमिली इसके अंदर शामिल की गई एपिगाइनी में जिनके नाम यहां पर हम देख रहे हैं और इनके नाम है पहला नाम है सिटेमिनी फिर है ब्रोमिलियसी हेमिडोरेसी इरिडी एमेरिलिडेसी टेक्सेसी और डायोस्कोरियसी। ये सात फैमिली हम देख रहे हैं ये फैमिली एपिगाइनी श्रेणी के अंदर आएगी। इसमें जो एमेरिलिडेसी है फैमिली हम देख रहे हैं ये इसमें बहुत सुंदर फूल है जो इसके अंदर आएंगे सुंदर ऑर्नामेंटल फ्लावर की फैमिली है ये एमेरिलिडेसी। और डायोस्कोरियसी में डायोस्कोरिया प्लांट इसके अंदर आएगा। तो ये जो सेवन फैमिली शामिल होगी एपिगाइनी श्रेणी। अब हम अगली श्रेणी जो थर्ड श्रेणी है बेंथम एंड हुकर के अनुसार मोनोकोट की उसका नाम है कोरोनियरी कोरोनियरी। इसके करेक्टरिस्टिक है एटलीस्ट द इनर सीरीज ऑफ द पेरियंथ पेटेलोइड ओवरी फ्री वेरी रेयरली स्लाइटली एडनेट एट द बेस एंडोस्पर्म कोपियस। आंतरिक परिदल पुंज दलाब होगा अंडाशय त्रिकोष्ठीय और उच्चवर्ती होगा। ये जो कंडीशन हमने देखी ये पाई जाएगी कोरोनेरी के अंदर। जो आठ फैमिली हम देख रहे हैं वो शामिल है कोरोनेरी में। ये भी एक बड़ी सीरीज है बड़ी श्रेणी है जिसके अंदर हम देख रहे हैं आठ फैमिली। उन फैमिलियों का नाम हम पढ़ रहे हैं रोक्स बर्गीएसी लिलीएसी पोंटेडेरियसी जायरिडी मेसेसी कोमेलियसी और रेपिटियसी। एक बार और दोबारा नाम हम इनको पढ़कर सुना रहे हैं रोक्स बर्गीएसी लिलियसी पोंटिडेरियसी फिलिड्रेसी जायरिडी मेयकेसी कोमेलाइनेसी और रेपिटियसी। ये जो फैमिलियां हमने नाम पढ़कर सुनाए ये आठ फैमिलियां शामिल है कोरोनेरी श्रेणी के अंदर होगी। इसमें जो पोंटिडेरियसी हम देख रहे हैं उसमें एक्वाटिक प्लांट शामिल होंगे जलीय पादप उनको लेकर इसमें है कोमेलाइनेसी एक फैमिली है जिसमें कोमेलाइना प्लांट है जो कि सामान्यतः पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसके अंदर फैमिली देख रहे हैं जिसको हम सामान्यतः शामिल करते हैं बीएससी एमएससी के सिलेबस में भी अधिकांश यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो शामिल होती है वो है लिलियसी जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी शामिल होती है कॉलेज के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी शामिल होती है लिलियसी प्याज की फैमिली जिसमें प्याज लहसुन बहुत से मेडिसिनल प्लांट सब्जियां मसाले इनके अंदर शामिल है लिलियसी प्याज की फैमिली। एलियम सेपा एलियम सेटाइवम प्याज और लहसुन इसके अंदर होंगे। एस्फुटिलस टेंडुफेलियस प्याजी एक जंगली खरपतवार है वाइल्ड वो इसके अंदर शामिल होगा लिलियसी के अंदर। सफेद मूसली क्लोरोफाइटम इसके अंदर आएगी। एस्पेरेगस रेसिमोसस शतावरी वो इसके अंदर आएगी। तो बहुत बड़ी एक ही फैमिली जिसमें मेडिसिनल प्लांट भी शामिल है सब्जियां भी शामिल है जिसके अंदर और जो बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है और जिसमें अंदर ऑर्नामेंटल सुंदर पौधों की फैमिली भी है लिलियसी फैमिली। तो ये जो फैमिली है ये अधिकांश यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। तो कोरोनेरी हमने देखी बहुत ऐसी श्रेणी है जिसके अंदर की आठ फैमिलियां हैं और उनमें लिलियसी प्रमुख है। ये बड़ी सीरीज है। अब हम देखें वर्गीकरण में अगली जो श्रेणी है जो बेंथमुकर में रखी गई है मोनोकोट के अंदर उसमें जो अगली पांच चौथे नंबर की हम सीरीज देख रहे हैं वो है केलिसिनी। एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केलिसिनी आर पेरियंथ सेपेलोइड स्मॉल रिजिड और हर्बेसियस
It means inner series, subpetaloid or small, ovary free, endosperm copious. ये जो हमने यहां पर करेक्टर्स देख रहे हैं केलिसिनी के, उसमें परिधल पुंज बाह्य गलाप अर्थात सेपिलेट होगा, शाकीय या शल्की अथवा झिल्लीदार होगा, झिल्लीदार होगा, अंडाशय त्रिकोष्ठीय उच्चवर्ती है. ये हमने जो करेक्टर्स देखी ये केलिसिनी सीरीज के अंदर पाई जाएगी. ये भी छोटी श्रेणी है, छोटी सीरीज है, इसमें तीन फैमिली शामिल की गई है और उन फैमिली का नाम है फ्लेजिलियेसी, जनकेसी, पामी. फ्लेजिलियेसी, जनकेसी, पामी. इसमें जनकेसी में एक सामान्य सेमीक्वाटिक प्लांट आता जनकस, और पामेसी जो फैमिली है वो पाम की फैमिली है, पाम ट्री जिसके अंदर आएंगे बहुत सारे सुंदर प्लांट पाम के जो लगाए जाते हैं, ताड़ के पेड़, वो पाम की फैमिली है ये पामेसी, पामी. तो ये हम जो देख रहे हैं यहां पर तीन फैमिली शामिल है केलिसिनी श्रेणी के अंदर. अगली श्रेणी हम देख रहे हैं न्यूडीफ्लोरी, न्यूडीफ्लोरी, एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूडीफ्लोरी आर पेरियंथ एब्सेंट और रिड्यूस्ड टू हेयर्स और स्केल्स, ओवरी सुपीरियर, कार्पल्स सोलिटरी और इफ मेनी सिनकार्पस, वन ओव्यूल्ड, एंडोस्पर्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट. इनमें परिधल पुंज अनुपस्थित अथवा रोम या शल्कों द्वारा निरूपित होगा, या तो अनुपस्थित होगा या रोम या शल्कों द्वारा निरूपित होगा, रिप्रेजेंटेड होगा. अंडाशय उच्चवर्ती त्रिकोष्ठीय होगा न्यूडीफ्लोरी के अंदर. और न्यूडीफ्लोरी जो हम देख रहे हैं इसके अंदर पांच फैमिली शामिल की गई है, फाइव फैमिली. इनके नाम हम पढ़ रहे हैं, पहली है पेंडेनेसी, फिर है साइक्लेंथेसी, देन टाइफेसी, फिर एरोइडी, देन लेमनेसी. पेंडेनेसी में पेंडेनस है जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, साइक्लेंथेसी है, टाइफेसी, टाइफेसी में टाइफा प्लांट शामिल है, और इसको हम नाम लेते हैं मोनोटाइपिक फैमिली जिसमें एक ही वंश है, टाइफा, तो टाइफेसी फैमिली. और लेमनेसी जो फैमिली है जिसमें लेमना वुल्फिया शामिल होंगे, छोटे प्लांट हैं जो छोटे एंजियोस्पर्म हैं, अगर एक्वाटिक हैं वो इनके अंदर शामिल होंगे. तो ये हमने देखा न्यूडीफ्लोरी जो सीरीज है पांचवे नंबर की, इसके अंदर पांच फैमिली बेंथम एंड हुकर ने अपने वर्गीकरण के अंदर शामिल कर दी. अगला हम देखने जा रहे हैं छठे नंबर पर, जो बेंथम हुकर के अनुसार जो श्रेणी है वो है एपोकार्पी, एपोकार्पी श्रेणी है सिक्स नंबर की. इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पेरियंथ वन और टू सेरिएट और एब्सेंट, कार्पस सुपीरियर, सोलिटरी और इफ मोर एपोकार्पस, एंडोस्पर्म एब्सेंट. इनमें एपोकार्पी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं परिधल पुंज एक या दो चक्रों में या अनुपस्थित है, एक या दो चक्रों में या अनुपस्थित है, और अंडाशय उच्चवर्तीय और पृथकांडपी है. ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एपोकार्पी सीरीज के. इसमें तीन फैमिली हैं जो हम देख रहे हैं नाम, पहला है ट्रायुरिडी, उसके बाद है एलिसमेसी, उसके बाद है नायाडेसी, नाजाडेसी. ट्रायुरिडी, एलिसमेसी और नाजाडेसी. इसमें जो नाजाडेसी है उसमें नाजास जो प्लांट है वो इसके अंदर शामिल होगा. एपोकार्पी श्रेणी के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें तीन फैमिली हैं जिनके नाम हमने यहां पर देखे. अगली जो देखने जा रहे हैं बेंथम हुकर के अनुसार मोनोकोट में सबसे एडवांस सीरीज, आखिरी सीरीज सेवंथ नंबर की जो है वो है ग्लूमेसी. ग्लूमेसी इसलिए प्रसिद्ध है कि इसमें ग्रेमिनी अर्थात पोइसी फैमिली इसके अंदर शामिल की गई जो सबसे एडवांस मानी जाती है. तो बेंथम हुकर के अनुसार मोनोकोट का अंत हो रहा है, यहां पूरे द्विबीज पत्रियों का अंत हो रहा है इस सीरीज से. उस सीरीज का नाम है ग्लूमेसी. फ्लावर सोलिटरी, सेसाइल इन द एक्सिस ऑफ ब्रैक्स एंड अरेंज्ड इन स्पाइकलेट्स विद ब्रैक्स, सेगमेंट्स ऑफ पेरियंथ स्मॉल, स्केल लाइक, ग्लूमेसियस और एब्सेंट, ओवरी वन ओव्यूल्ड और डिवाइडेड इनटू वन ओव्यूल्ड,
लोकुलाई, एंडोस्पर्म प्रेजेंट। जो ग्लूमेसी के करेक्टर्स हैं, पुष्प एकल या एकल अवरंत सहपत्रों के कक्ष में उपस्थित होगा, स्पाइकलेट या जिसको हम कहते हैं शुकिका या मुंडक में व्यवस्थित होगा, और अंडाशय सामान्यतः एक पुष्पीय। ग्लूमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें परिदल पुंज भाषित है पेरिंग, और वह स्केली या ग्लूमी प्रकार का है, और इनका जो पुष्पक्रम है इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइक्स होगा, स्पाइकलेट स्पाइक्स कणिशाधार। इसका पुष्पक्रम पूछा भी जाए स्पाइकलेट पुष्पक्रम होगा, और जो ओवरी है वो यूनिलोकुलर एक पोस्टी है या एक बीजांडी है। इस प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स हो गए ग्लूमेसी श्रेणी के अंदर। इस ग्लूमेसी श्रेणी के अंदर जो देख रहे हैं हम पांच फैमिली शामिल की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रेमिनी है जिसका नाम बाद में पोएसी किया गया। इस ग्रेमिनी में एक ग्लूमेसी में आने वाली जो पांच श्रेणी है उनके नाम हम पढ़ रहे हैं, इरियोकोली, सेंट्रोलेपेडी, रेस्टियसी, साइपरेसी एंड ग्रेमिनी। इसमें जो साइपरेसी है फैमिली है और ग्रेमिनी फैमिली है, ये एक दूसरे की नेबरिंग फैमिली है, पड़ोसी फैमिली है, जिनमें बहुत सी करस्टेटिक्स सिमिलर है, समान भी है। साइपरेसी साइप्रस स्क्रिपस इनकी फैमिली है, इसको सेज फैमिली भी कहते हैं। और जो ग्रेमिनियम देख रहे हैं वो ग्रास फैमिली है, साइप्रस इज नोन एज सेज फैमिली एंड ग्रेमिनी इज नोन एज ग्रास फैमिली, जिसमें घास फूले है। तो जो ग्रेमिनी है जिसका नाम बाद में बदल के किया गया पोएसी, जिसके अंदर सभी प्रकार की ग्रासेस आएगी, अनाज आएंगे, सीरियल्स आएंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये मानव के लिए, पशुओं के लिए दोनों का इसका बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है ग्रेमिनी फैमिली का, क्योंकि ये खाने में काम आती है, पशुओं का चारा में भी काम में आ रही है ये फैमिली, और मनुष्य को जो अनाज मिल रहा है गेहूं मक्का जो बाजरा चावल वो ग्रेमिनी फैमिली में होंगे, जो बहुत बड़ा आर्थिक महत्व उत्पन्न करते हैं। तो बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है ग्रेमिनी का, पोएसी फैमिली का जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ी है, और वो परीक्षा में पूछी जाती है इस फैमिली को एडवांस क्यों माना जाता है, व्हाई स्टेटेड इज एडवांस फैमिली, इसके एडवांस करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जहां हमने देखा बहुत सी फैमिली प्रिमिटिव है, जैसे कि रेनकुलेसी प्रिमिटिव फैमिली है, कंपोजिटी या स्ट्रेसी को एडवांस माना जाता है, और सबसे प्रगत कुल में आज हम जो देख रहे हैं फैमिली है मोनोकोट की भी प्रमुख फैमिली है जो, और सबसे एडवांस फैमिली भी है ग्रेमिनी, जिसको नया नाम दिया गया पोएसी एडवांस फैमिली। तो ये एक अलग प्रश्न है जो ग्रेमिनी के लिए होता है, जब ग्रेमिनी की बात हम करेंगे तब वहां ये पढ़ेंगे इसके एडवांस करेक्टर्स क्या हैं और इसका आर्थिक महत्व क्या है, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है, इसमें सारी जो है वो आएंगी, चारा आएगा इसके अंदर, ग्रासेस घास आएगी इसके अंदर जो कि चारे के रूप में भी कहा ऐसी घास, और दूसरी जो कि अनाज है, अनाज की फसलें हैं, वो सब अनाज इसके अंदर ग्रेमिनी के अंदर आएगा। तो ये हमने देखा ग्लूमेसी जो श्रेणी है उनमें जो पांच फैमिली शामिल की गई, उसमें आखिर की दो है साइपरेसी ग्रेमिनी जो महत्वपूर्ण है, और ग्रेमिनी अधिकांश यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है ग्रेमिनी, जिसको पढ़ा जाता है। तो आज हमने जो बात करी है आज के चैप्टर के दौरान, उसमें हमने बात करी है मोनोकोट का वर्गीकरण, अर्थात एक बीज पत्रियों का वर्गीकरण, जो एक बीज पत्रियों का करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखा। एक बीज पत्री जाना जाते हैं उनमें नंबर ऑफ कोटोलेंस एक होगा, बीज पत्री की संख्या एक होगी, और उनमें जो पत्तियों में जो शिराविन्यास है वो समानांतर शिराविन्यास होगा, अर्थात इनमें जो वेनेशन है उसको हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन पत्तियों के अंदर, जहां द्विबीजपत्री में होता है जाली का शिराविन्यास और एक बीजपत्री में होता है समान शिराविन्यास। ये दो करेक्टरिस्टिक्स मेन, इसके अलावा बहुत से करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे त्रितई होंगे, इस तरह की बातें भी आएगी, लेकिन मेन दो करेक्टर है जिनका। बेंथम एंड हुकर ने इसको सात श्रेणियों में विभाजित किया, जिनके हम अभी अपने नाम देखें, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनियरी, केलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी, ये सात श्रेणी। इस सात श्रेणी में फिर फैमिलिया में कुल मिलाकर 34 फैमिली है जिनमें हमने देखा, जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी बात हमने अभी समय समय पर करी है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा जब पूछा कि मोनोकोट पर एक जनरल अकाउंट दीजिए, तो ये मोनोकोट का पूरा हमने आज पढ़ा, इसका वर्गीकरण। धन्यवाद।